वेलकम बैक फ्री में जानो। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा देश भर के मौसम का हाल। वीडियो की शुरुआत की जाए उससे पहले कमेंट सेक्शन में जिले का नाम जरूर बताएं, साथ ही अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपको बता दें मौसम का हाल, एमपी यूपी से लेकर दिल्ली में लू से होगा बुरा हाल, लेकिन इन राज्यों में गरजेंगे बादल। देश के कई इलाकों में एक बार फिर से गर्मी और लू का प्रकोप बढ़ गया है। जी हाँ, दिल्ली वासियों को एक बार फिर से लू के प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजधानी से गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। जी दरअसल दिल्ली के कई स्थानों में शनिवार को पारा 44 डिग्री के पार चला गया। इसी के साथ मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और NCR में मौसम का मिजाज ऐसा बना रहेगा। आज मौसम विभाग ने गर्मी के लिहाज से येलो अलर्ट जारी किया है। दरअसल मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले दिनों में कुछ जगहों पर भीषण लू चल सकती है। फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। स्काई मेट वेदर के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश, दिल्ली, NCR के अलग अलग हिस्सों में एक बार फिर लू चलने के आसार हैं। आप सभी को बता दें कि IMD ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर कर्नाटक, तमिलनाडु में बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। इसी के साथ IMD के अनुसार उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के आसार बने हैं, जिसकी वजह से दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर नागालैंड तक बारिश हो सकती है। वहीं बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल में अगले 5 दिनों तक रुक रुक कर बारिश के आसार हैं। इसके अलावा दक्षिण के राज्य केरल में मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। वहीं दिल्ली NCR के लोगों को मानसून के लिए अभी 2 से 3 हफ्ते का इंतज़ार करना पड़ेगा। इन सभी के बीच प्री मानसून की बारिश ने थोड़ी राहत दी है, लेकिन एक बार फिर गर्मी का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि एक बार फिर दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, हिमाचल और आसपास के राज्यों में 25 जून तक मानसून पहुंच सकता है। वहीं छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार में 15 जून के आसपास मानसून पहुंचने का अनुमान है, जबकि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में 10 जून तक मानसून के दस्तक देने का आसार है। स्काई मेट के अनुसार उत्तर भारत के कई राज्यों में लू की वापसी होगी। वहीं राजस्थान, MP, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, विदर्भ के कुछ हिस्से, दक्षिण हरियाणा और दिल्ली NCR के अलग अलग हिस्सों में लू चलने की संभावना है। इसी के साथ बता दें आपको कि मौसम की चेतावनी के लिए IMD 4 रंगों पर आधारित अलर्ट कोड का इस्तेमाल करता है, जिसमें हरे रंग यानी कि कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं, पीला रंग नजर रखें, अपडेट रहें, नारंगी रंग यानी तैयार रहें, लाल रंग यानी कार्रवाई करना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और रोजाना मौसम की ताज़ा अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।